जब मैं पोप से मिलूंगा तो तुम्हारे बारे में उनसे बात करूंगा। पोप कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले हैं ना? Yes, dear, जब आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी। ये बिस्किट खाए तुमने, कैसे लगे? बकवास। आप और बिस्किट लीजिए ना मिस्टर विलियम। बस बस और नहीं मिस रोजा, वरना रात का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। आजकल आटा अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए बिस्किट्स वैसे नहीं बना पा रही हूँ जैसे बनने चाहिए। और महंगाई भी तो देखिए दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया है अपने देश को, जबकि जापान को देखिए इतना छोटा सा कंट्री है। जापान? यस एल्फी। अपनी तोपें जरा दूसरी तरफ घुमा लीजिए। तोपें? एल्फी, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ, जो हमारे सबसे कट्टर दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन। इटली और जापान के खिलाफ कभी उल्टा सीधा मत बोलिएगा, वो हमारे दोस्त हैं। Yes, yes, of course. एल्फी। नहीं रोजा आंटी, कोई फायदा नहीं, जापान के बारे में बात करना फिजूल है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बात कीजिए, खंडकों की खुदाई की बात कीजिए। ठीक है, अब हम लड़ाई वगैरह की कोई बात ही नहीं करेंगे। बस एल्फी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारा भाई बॉबी यहाँ आने वाला है। बहुत खुशी हुई सुनकर। आज तो वो जूली को फिर कोई नाटक दिखाने बम्बई ले जा रहा है। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि बॉबी नाटक देखने के लिए आपकी बेटी जैसी सियानी लड़की को साथ ले जाता है। लेकिन रात को 3-3 बजे तक उसके लौटने का इंतजार करना मुझे बहुत तकलीफ देता है। ओ मिस्टर विलियम, रॉबर्ट बहुत शरीफ लड़का है, क्या आप उसे पसंद नहीं करते? वरना हमें बहुत गिल्टी फील होगा, मार्था और मुझे दोनों को, क्योंकि आखिर हमारे इस घर में ही तो आपकी बेटी की बॉबी से मुलाकात हुई थी। देखिए, जहाँ तक शराफत की बात है, मैं मानता हूँ कि बॉबी बहुत ही शरीफ लड़का है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरी बेटी और उसकी दोस्ती दिन पे दिन गहरी होती जा रही है, लेकिन मुझे बॉबी की एक चीज से बहुत डर लगता है। आपका मतलब उसके स्टमक से? स्टमक? उसे डिस्पेप्सिया की शिकायत है ना, बेचारा बहुत परेशान रहता है अपनी इस बीमारी से। नहीं नहीं मिस रोजा, मुझे उस बीमारी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो शिकायत है, टू बी वेरी फ्रैंक, बॉबी के थिएटर कनेक्शन से। थिएटर? ओह नो मिस्टर विलियम, बॉबी थिएटर में काम नहीं करता, वो तो थिएटर के बारे में सिर्फ लिखता है, ड्रामा क्रिटिक है। मैं मानता हूँ मिस रोजा, लेकिन एक ड्रामा क्रिटिक लगातार थिएटर के माहौल में रहता है, उससे इस बात का खतरा बना रहता है कि धीरे धीरे उसमें उसे मजा आने लगेगा और थिएटर की लत लग ही जाएगी। ना ना बॉबी, उनमें से नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो तो थिएटर से नफरत करता है। नफरत? जी हाँ, उसके रिव्यूज नहीं पढ़े आपने? वो तो बुराइयां करता है, कड़वी उड़वी बातें लिखता है नाटकों के बारे में, इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। कितना खुश था वो जब वो रियल एस्टेट के बारे में लिखा करता था, जिसके बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी भी थी। लेकिन जब से उनका पुराना ड्रामा क्रिटिक रिटायर हुआ, बॉबी को जबरदस्ती ड्रामा क्रिटिक बना दिया गया, तब से एक पल के लिए खुश नहीं रहा है वो। ओहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बॉबी का कहना है कि थिएटर ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं है, मेरे ख्याल में बस 1 या 2 साल की बात है, थिएटर अपनी मौत मर जाएगा। कौन आया होगा इस वक्त? अरे नहीं एल्फी बेटा, तुम बैठो, मैं खोलती हूँ दरवाजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते सामन जी, रोखड़े जी, कहिए कैसे हैं आप? बस आपकी कृपा है आंटी जी, और आप कैसी हैं? और जरा फ्यूरर से तो मिल ले। हेल हिटलर! कहिए क्या खबर लाए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? यस सर। भला आपके राज में कोई गड़बड़ हो सकती है? वाह जबरदस्त, थैंक यू जजमेन। मिस्टर विलियम को आप लोग जानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते पादरी साहब। आंटी, हम लोग खिलौने लेने आए हैं नए साल के फन के लिए। ओ अच्छा। ये बहुत अच्छा काम करते हैं भैया आप लोग, पुराने खिलौने इकट्ठे करके गरीब बच्चों में बांटने का। इस बहाने हमें भी कुछ काम मिल जाता है, वरना थाने में खाली बैठे बैठे क्या करें? ताश खेल के बोर हो जाते हैं तो उठकर बंदूक पिस्तौल साफ करने लगते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि अक्सर हमारे ही हाथ पांव में गोली लग जाती है। अब अस्पताल पहुंचने से तो अच्छा है थोड़ा सोशल वर्क किया जाए। करेक्ट। एल्फी इधर आओ बेटा, जरा ऊपर जाओ और मार्था आंटी के कमरे में वो जो बड़ा बॉक्स रखा है उसे नीचे ले आओ। चलो शाबाश। हां वही वाला। सविता अब कैसी है सामन जी? उनकी वाइफ की तबीयत काफी खराब हो गई थी मिस्टर विलियम, निमोनिया हो गया था जी उनको। ओह अच्छा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। चार्ज! लेकिन अब तबीयत काफी ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। ओ मैंने वेजिटेबल सूप बनाने रखा है उसके लिए, अभी लेकर आती हूं। नहीं नहीं आंटी, नहीं दीजिए प्लीज, आप पहले बहुत तकलीफ उठा चुकी हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है, सूप तो बना ही हुआ है। मेरी बहन मार्था थोड़ा लेकर गई है खालिद मियां को देने के लिए, आप लोग
लीजिए, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने से आप इन दोनों बहनों को नहीं रोक सकती। आपने वादा किया था आप बिल्कुल नहीं बचाएंगे। लेकिन मैं पोलैंड पर हमला बोलने से पहले कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। पहले तो ये आधी आधी रात को बिल्कुल बचाता था, दूर दूर तक आवाज जाती। पाकिस्तान वॉर के टाइम तो लोग आवाज सुनकर बिस्तर से नीचे गिर जाते, फिर सबने हमसे बड़ी शिकायत भी कर दी। इससे तो कहने की हिम्मत होती नहीं किसी की, सब बहुत डरते हैं इससे। लेकिन यह बेचारा तो बहुत ही मासूम आदमी है, हार्मलेस। लेकिन ये भी अच्छा नहीं लगता ना कि वो अपने आप को हिटलर समझता है। कुछ और समझ लेता तो लोग इतना नहीं डरते। कितने शर्म की बात, कितने अच्छे और भले खानदान में हंसों के बीच एक कौवा पल रहा है। इसका बाप यानी आंटियों का भाई सुना है बहुत जीनियस आदमी था, लेकिन इनका बाप यानी एफी का दादा सुना है थोड़ा पागल था। पर किस्मत वाला पागल, लाखों रुपए कमाए थे उसने। अच्छा, यहाँ इस छोटे से कस्बे में। लेकिन कैसे? दवाइयों से। ओ, नीम हकीम था, नई नई दवाई जाप करता था, इस मकान को क्लिनिक की तरह यूज करता था और यही अपने उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता था इंसानों के ऊपर। हाँ, मैंने सुना है उससे मिस्टेक भी हो जाया करती थी अक्सर। हाँ, पर डिपार्टमेंट ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि एल्फी के दादा से डिपार्टमेंट को बहुत हेल्प मिलती थी। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था तो पोस्टमार्टम उसी से करवाते। बहरहाल जो कुछ भी हो, उसने इतना तो कर दिया कि उसकी बेटियां जीवन चैन से गुजार रही हैं। हाँ, पर अपने ऊपर तो वो एक पैसा खर्च नहीं करती। लेकिन एक बात तो सही है, मैं उनके दानपुन और दूसरों की सेवा करने की आदत से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। अरे वाह, आप लोग आए हुए हैं, कितनी अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून मिस डिसूजा। कैसे हैं आप मिस्टर सामर, मिस्टर रोकड़े? गुड आफ्टरनून मिस्टर विलियम। हम लोग नए साल के खिलौने लेने चले आए थे। एलपी की आर्मी और नेवी, बंदूकें, पिस्तौल, तोपे, टैंक ढेर पड़ा हुआ है सारा, अभी लेकर आती हूं। फ्यूरल लेने गए हुए हैं, कैबिनेट की इजाजत लेनी है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, सविता की तबीयत कैसी है अब, ठीक है ना जी? अब काफी बेहतर है, रोजा आंटी उनके लिए सूप भिजवा रही है, वही लेने अंदर गई है। हमने सुबह ही बनाया था, थोड़ा सा खालिद मियां को देने चली गई थी, छह जगह हड्डियां टूट गई थी उनके एक्सीडेंट में। ये लीजिए सूप सामन जी, जरा अच्छी तरह गरम करके पिलाइएगा। जरूर आंटी। लीजिए, वेरी गुड, कितने ही बच्चों का भला हो जाएगा। भीमराव का बेटा तो शौकीन है इसे खिलौनों का। ये जनरल रोमेल है, ओ? मैंने इसे रिटायर कर दिया है। ये क्या है? यूबोट। एवरी, इसे अंदर रख दो बेटा। लेकिन अमेरिका पर अटैक करने के लिए हमें यूबोट भेजने पड़ेंगे। अच्छा, बस सेल्फी। नहीं रोजा आंटी, मुसोलिनी को मैंने प्रॉमिस किया है कि हम अमेरिका पर अटैक करेंगे। लेकिन एवरी। भैया क्या फर्क पड़ता है किस बच्चे को मिले, मुसोलिनी को या भीमराव के बेटे को। अच्छा, हम लोग चलते हैं आंटी जी, थैंक्स वेरी मच। नॉट एट ऑल। हे हिटलर, बाय। अच्छा, अब मैं भी इजाजत चाहूंगा मिस रोजा। हाँ, लेकिन जाने से पहले आप अगर जॉर्ज जॉर्ज ऑन पीटर्सबर्ग। क्या आपने कभी से समझाने की कोशिश की कि ये हिटलर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख नहीं रहे आप कि हिटलर के रोल में कितना खुश है? बहुत पहले एक बार हमने कोशिश की थी कि एल्फी महात्मा गांधी बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसे थोड़ा चेंज मिल जाएगा, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। 3 दिन तक पलंग के नीचे घुसा रहा, खाना भी नहीं खाया, रोता रहा कि हिटलर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और कुछ नहीं बनने से तो अच्छा है कि वो हिटलर ही बन जाए, इसलिए हमने मंजूर कर लिया। खैर, अगर वो इसी में खुश है और आप भी खुश हैं तो ठीक है। लीजिए, कागजों पर से साइन करवा लीजिए। कैसे कागज हैं ये? कानूनी कागज है मार्था, मिस्टर विलियम ने इंतजाम कर दिया है कि हमारे मरने के बाद एल्फी को हैप्पी टेल सैनिटोरियम भेज दिया जाए। लेकिन अभी से इन पर एल्फी की साइन कराने की क्या जरूरत है? ये काम जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है, जिंदगी का क्या भरोसा। भगवान ना करे कल आप लोगों को कुछ हो जाए और हम एल्फी को सैनिटोरियम ले जाने के लिए राजी ना करा सके तो दुनिया भर के कानूनी झंझट पैदा हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर सक्सेना चाहते हैं कि कागजी खानापूरी अभी खत्म कर दीजिए। डॉक्टर सक्सेना, वो कौन है? हैप्पी डेल के सुपरिटेंडेंट। मिस्टर विलियम ने डॉक्टर सक्सेना को बुलवा लिया है, वो कल या परसों एल्फी को देखने के लिए यहाँ आएंगे। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा, वरना जूली परेशान होकर मुझे ढूंढ ढूंढ के यहाँ चली आएगी। जूली को हमारा प्यार दीजिएगा और प्लीज मिस्टर विलियम, बॉबी को गलत मत समझिएगा। अभी चाय पी तुम लोगों ने, इतनी लेट? हाँ, और आज तो डिनर भी लेट होगा। अच्छा,
खबर है, तुम्हें नीचे कंसंट्रेशन कैंप में जाकर एक और सुरंग खोदनी है। फैंटास्टिक, मैं फौरन सफर की तैयारी करता हूँ। जॉर्ज! सच्ची? कब कर लिया तुमने? जब मैं बाहर गई थी? हाँ, सॉरी डियर, मैं तुम्हारी वेट नहीं कर सकी क्योंकि पता ही नहीं था कि तुम कब लौटोगी, और मिस्टर विलियम भी तो आने वाले थे, इसलिए फटाफट निपटा दिया। अकेले ही? हाँ, किसी तरह मैनेज कर लिया। ओह गॉश, कमाल कर दिया तुमने तो। मैं नीचे देख कर आती हूँ। अरे नीचे नहीं है, नीचे ले जाने का तो टाइम ही नहीं था, और फिर मुझे अकेली के लिए मुश्किल भी तो बहुत था। लेकिन है कहाँ ये तो बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, खुद ही ढूंढो तो जाने। ओ रोजा मेरी अच्छी बहन, मुझे इतना मत तड़पाओ प्लीज। अच्छा, तो इस खिड़की वाले दीवान के अंदर झांक कर देखो तो। अरे ये तो जूली है, आओ बेटी आओ अंदर आओ। गुड आफ्टरनून रोजा आंटी। गुड आफ्टरनून मार्था आंटी। डैडी तो नहीं आए थे यहाँ? आए थे, अभी अभी गए। क्या तुम्हें रास्ते में नहीं मिले? नहीं, मैं इधर शॉर्टकट से आई, कब्रिस्तान से होकर। बॉबी नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, उसने मुझे यही मिलने के लिए बोला था। मैं थोड़ी देर वेट कर लूँ अगर आप माइंड ना करें तो। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटी, अंदर आओ, आराम से बैठो, तुम्हारा घर है ये। हाँ बैठो बेटी बैठो। हेलो रोजा आंटी। हेलो बॉबी, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। हेलो मार्था आंटी। हेलो बेटा। हाय जूली। आओ बेटा बैठो। रोजा, हमें किचन में काम करना है ना? है? बर्तन वर्तन धोने हैं कि नहीं? अरे हाँ, हमें तो बर्तन वर्तन धोने हैं। तुम लोग आराम से बैठकर बातचीत करो, गप्पे वप्पे मारो। हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं। तो अब खड़े क्यों हो? इशारा नहीं समझे आंटियों का? इशारा? वो तो बकायदा ढोल बजाकर अनाउंसमेंट कर गई हैं। इतना ऑब्वियस, वेरी लाउड एक्टिंग, पारसी थिएटर के तरह। मुझे पता था तुम्हारा क्रिटिसिज्म यहीं से शुरू हो जाएगा। आज डिनर कहाँ करना चाहोगी? कहीं भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया। डिनर को अगर शो के बाद ले तो चलेगा? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। कितने बजे खत्म होगा शो? खत्म होने तक कौन बैठा रहेगा यहाँ? प्ले के बारे में जितना सुना है उससे तो यही लगता है कि 10 बजे से पहले हम चाइना गार्डन में होंगे। इतनी नाइंसाफी तो ना किया करो अपने नाटकों के साथ। आजकल के नाटक मेरे साथ कम ना इंसाफी करते हैं क्या? किसी म्यूजिकल के बीच में तो तुम कभी नहीं उठते हो। हाँ, लेकिन आज का प्ले म्यूजिकल नहीं है। ओ काश आज हम कोई म्यूजिकल देखने जाते। क्यों, म्यूजिकल प्ले तुम्हें भी पसंद है? नहीं, लेकिन म्यूजिकल देखने के बाद तुम बहुत ही ह्यूमन हो जाते हो। सीरियस प्ले के बाद मुझे थिएटर पर लंबा लेक्चर सुनने को मिलता है, लेकिन म्यूजिकल के बाद तुम मुझे टैक्सी में घर लाते हो और मुझसे चिपक कर भी बैठते हो। अरे अरे, ये रिपोर्टिंग तो सच्ची नहीं लगती। हाँ हाँ, मानती हूँ कि सैमुअल बेकेट के नाटक के बाद तुमने मुझसे कहा था कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन हमारा पहला म्यूजिकल देखने के बाद ही तुमने मुझसे कहा था कि मेरी टांगे सेक्सी हैं, जो कि हैं भी। एक पादरी की बेटी होते हुए भी तुम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती हो, कहाँ सीखा ये सब? चर्च के लॉफ्ट में। फिलहाल मैं जरा घर पर जा रही हूँ, डैडी से कह कि रात को देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करें। एक बात मेरी आज तक समझ में नहीं। क्या? कि यहाँ एक मामूली सी कस्बे में रहने वाली लड़की से मेरा प्यार कैसे हो गया? क्यों, तुम्हें लगता है तुम बहुत गिर गए हो? अपना सेल्फ रेस्पेक्ट दोबारा प्राप्त करने का एक ही तरीका है, मैं तुम्हें शहर में रखूं। क्या कहा तुमने, रखूं? ना ना, मुझे तो लगता है कि सिर्फ कानूनी नुक्तों की वजह से ही तुम आगे बढ़ने से डर रही हो। अभी कुछ साल और मैं अच्छी बच्ची बनी रहना पसंद करूंगी। पर मैं अब इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो चाहता हूँ कि हम फौरन शादी कर लें, अभी आज रात। क्या ख्याल है? मुझे अफसोस है, डैडी हर चीज नियम और कायदे से ही करना पसंद करेंगे। ओहो, तुम्हारे डैडी तो हमारा शादी का प्रोसेस इतना लंबा खींच देंगे कि पीटरब्रुक का महाभारत हो जाएगा। क्या तुम हमारी शादी का रिव्यू भी अपने अखबार में लिखोगे? I'm sorry darling, हर पेशे की अपनी बीमारियां होती है, कोई उनसे कैसे बचे। फिलहाल तो अपने डैडी से कह दो कि आज की रात वो तुम्हारा बिल्कुल इंतजार न करे। मेरा ख्याल है कि मैं कह दूं कि आज की रात वो मेरा हर हाल में इंतजार करें। मैं ऑफिस फोन करके कह देता हूं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, वो किसी और को भेज दे। बॉबी। अच्छा ठीक है, हर चीज लीगल,
और फॉर्मल हो, लेकिन एक महीने के अंदर हमारी शादी हो जानी चाहिए। डार्लिंग, मैं डैडी से बात करूंगी और एक तारीख निश्चित कर दूंगी। तारीख जितनी नजदीक उतना अच्छा। हेलो बॉबी, कैसे हो आप? कैसे हैं फ्यूरर? बिल्कुल जबरदस्त, फाइन। कहिए क्या खबर लाए हो? सिर्फ इतनी कि पूरा देश आपके साथ है। वाह, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। वेल गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। आप कहाँ जा रहे हैं एल्फी? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी सेलर या तहखाना। वो नीचे जाके सुरंगें खोदता रहता है। तुम एल्फी से काफी अच्छी तरह बात करते हो, वो भी तो तुम्हें पसंद करते हैं, है ना? हाँ, एल्फी मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। सबसे प्यारे भाई मतलब? क्या तुम्हारे और भी भाई हैं? हाँ, एक और सबसे बड़ा जॉनी यानी जॉनथन। अच्छा, उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना। तुम्हारी आंटियों ने भी कभी कुछ नहीं बताया। दरअसल हम लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। बहुत पहले वो यहाँ से चला गया था लोगों के आग्रह पर। जॉनथन उन बच्चों में से था जो कीड़े पकड़कर उन्हें दो टुकड़ों में काटना पसंद करता था अपने दांतों से। फिर क्या हुआ उसका? पता नहीं, दादाजी की तरह सर्जन बनना चाहता था, लेकिन बिना मेडिकल कॉलेज में पढ़े उसने तो अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अरे तुम लोग अभी गए नहीं, प्ले देखने नहीं जा रहे? जा रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत समय है, आधे घंटे बाद निकलेंगे। तो ठीक है, मैं वापस रसोई में चली जाती हूँ, तुम आराम से बैठकर बातें करो। नहीं नहीं आंटी, आप यही रुकिए, मैं जरा घर तक जा रही थी डैडी से कहने। तुम्हारे साथ जाने से पहले वो हमेशा मुझ पर धुआं पड़कर फूंकते हैं। मैं बस अभी आई, शॉर्टकट से जाऊंगी वाया कब्रिस्तान। आंटी, आंटी एक खुशखबरी है, मैं जूली से शादी करने जा रहा हूँ। सच्ची? ओह डार्लिंग, मार्था, मार्था जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं तुम्हें। बॉबी और जूली शादी कर रहे हैं। शादी? ओह बॉबी, हमको तो उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। जूली तो खुशी से फूल ही नहीं समारी होगी। वो देखिए कैसे कब्रों के ऊपर से छलांगे मारते हुए जा रही है। अब तो चटमंगी और पट ब्याह हो जाना चाहिए, है ना मार्था? और क्या, फिर छोटे छोटे बच्चे होंगे इन दोनों की, यहाँ खेलते गिरते टमुंड। बस बस, आप लोग तो पता नहीं कहाँ की कहाँ सोचने लग जाती है। पहले ये बताइए, मेरे वो कागज कहाँ गए जिसपे मैंने कुछ नोट्स लिखे थे ओनील के बारे में? देखिए आप लोगों ने कहीं? वही होंगे जहाँ तुमने रखे थे। कहाँ रखे थे तुमने? तुम शादी कब करने जा रहे हो? कोई डेट या तारीख फिक्स की या नहीं? और इसके अलावा जूली के बारे में कुछ बताओ ना हम लोगों को। जूली, जूली खुश है और क्या बताओ, लेकिन वो कहाँ गए? कौन कहाँ गए डियर? मेरे नोट्स, ओनील पे जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसके एक चैप्टर के नोट्स। जूली आ जाए तो हमें थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, एक वाइन की बोतल खोलती हूँ, मजा ही आ जाएगा। कहाँ रखे मैंने वो नोट्स? अपनी मंगेतर के साथ नाटक देखोगे तो शायद पहली बार नाटक एंजॉय कर पाओगे। हो सकता है रोमांटिक प्ले हो। क्या नाम है नाटक का? कत्ल की हवस, खून की प्यास। ये बाप रे, पर्दा उठते ही सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो कंबख्त एक लाश होगी। रोजा आंटी। हाँ बोलो बेटा। आप लोग एल्फी को सैनिटोरियम भेजने का प्लान कर रही थी ना? हैप्पी डे। यस डियर, सारा इंतजाम हो गया है। मिस
मिस्टर विलियम ये लीगल बेल ले पेपर्स लेकर आए थे एल्फी से साइन करवाने। ये रहे वो पेपर्स। उससे इस पर फॉरेन साइन करवाइए। मिस्टर विलियम भी यही चाहते हैं ताकि हमारे मरने के बाद कोई कानूनी झंझट ही ना पैदा हो। लेकिन एल्फी को ये पेपर्स अभी साइन करने पड़ेंगे। वो नीचे तहखाने में ना, जाइए उसे फौरन ऊपर लेके आइए। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेगा आराम से। हाँ, अभी तो वो नीचे सुरंग खोद रहा है। हाँ। और जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता उसको वहाँ से हटाना इम्पॉसिबल। हाँ। लेकिन एल्फी को हैपीटेल जाना होगा अभी आज रात। नो डियर, जब तक हम दोनों मर नहीं जाती तब तक नहीं। मैं कह रहा हूँ अभी आज रात। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हम अपने जीते जी एल्फी से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक भयानक खबर है, बहुत ही भयानक। हम लोग एल्फी के पागलपन को अब तक हंसी मजाक में लेते चले आए, ये सोच के कि वो बहुत सीधा साधा और हार्मलेस है। हाँ, क्योंकि वो हार्मलेस है। वो हार्मलेस था, पर अब उसे इस तरह खुला आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये अचानक तुम एल्फी के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो बेटा? वो तुम्हारा भाई है। जब तक आप पूरी बात नहीं जान लेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। एल्फी ने एक आदमी को मार डाला जान से। Nonsense, dear. उस दीवान के अंदर एक लाश है। Yes, dear. हमें पता है। आपको पता है? Of course, dear. लेकिन उसका एल्फी से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम फिकर मत करो और जो कुछ देखा है उसे भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दीवान के अंदर झांक लोगे। लेकिन वो आदमी है कौन? मिस्टर परेरा, मिस्टर पीटर परेरा। इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, या फिर मेथोडिस्ट है। बस इतना ही जानती आप उसके बारे में? लेकिन वो यहाँ कर क्या रहा था? अरे उसे हुआ क्या? मर गया। मार था आंटी, लोग ऐसे ही दीवार में घुस के मर नहीं जाते। नहीं, मरा पहले था। लेकिन कैसे? बॉबी बेटा, इतना क्यों जानना चाह रहे हो? मिस्टर परेरा इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी वाइन पी ली थी जिसमें जहर मिला हुआ था। वाइन में जहर कैसे मिल गया? हमने मिलाया क्योंकि वाइन में जहर का पता नहीं चलता। चाय में मिलाओ तो थोड़ी स्मेल सी आने लगती है। आप लोगों ने वाइन में जहर मिलाया? हाँ, लेकिन मिस्टर परेरा को मैंने अकेले ही वहाँ पहुँचाया क्योंकि उस वक्त मिस्टर विलियम आने वाले थे ना। ओह, तो इसका मतलब आप जानती थी कि आप क्या कर रही हैं। आप नहीं चाहती थी कि मिस्टर विलियम वो लाश देखें। अरे चाय के वक्त तो बिल्कुल नहीं, बहुत भद्दा लगता है। अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया इसलिए सब कुछ भूल जाओ। हमारी भी कुछ सीक्रेट्स हो सकती हैं, है ना मार्था? बिल्कुल, जूली को मत बताने ये सब। हेलो रावत, मैं कौन बोल रहा हूँ? अच्छा रावत, तुम्हें याद है दफ्तर से निकलते वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, तो मैंने कहाँ जाने के लिए बोला था? अच्छा, और वहाँ से खपोली तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगता है, राइट? और अभी क्या बज रही है तुम्हारी घड़ी में? इसका मतलब मैं यहीं कहीं होऊंगा। हाँ। रोजा आंटी, मार्था आंटी, इधर आइए जल्दी। हाँ, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है? किस बारे में क्या करने को कह रहे हो बेटा? उस दीवान के अंदर एक लाश है। हाँ, मिस्टर परेरा की। मुश्किल तो ये है कि मैं आपको पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं? सबसे पहला काम तो ये करो कि इतना एक्साइटेड मत हो। दूसरा काम ये कि किसी बात की चिंता मत करो। हम कह तो चुके हैं तुमसे कि सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ? माय डियर आंटी, मैं कैसे आपको एहसास दिलाऊं कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बस बहुत हो गया बॉबी, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों की तरह हत्थे से उखड़े जा रहे हो। लेकिन मिस्टर फरेरा, अरे जो भी नाम है उसका, उसको इस तरह तो यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, कौन सा उन्हें यहाँ छोड़े जा रहे हैं? एल्फी इसलिए नीचे गया हुआ है तहखाने में गड्ढा खोदना। आपका मतलब आप उन्हें नीचे गाड़ने वाली है? हम तो हमेशा यही करते हैं। लेकिन
आप इस तरह उन्हें नीचे नहीं गा हमेशा हाँ, दूसरे लोगों को भी हमने तहखाने में गाड़ा हुआ है। दूसरे दूसरे यानी दूसरे जो सिर्फ एक नहीं होते। यस डियर, इन्हें मिलाकर 12 होते हैं। 12? नहीं रोजा, ये तो सिर्फ 11 है। अरे नहीं, आज मिस्टर परेरा के आते ही मेरे दिमाग में आया था क्या पूरे एक दर्जन हो जाएंगे। लेकिन तुम पहले वाले को भी काउंट कर रही हो क्या? हाँ, उन्हीं को काउंट करके तो कह रही हूँ कि पूरे हुए 12। हेलो, हेलो रावत, कितना अच्छा लगा तुम्हारा आवाज सुन के। वो भी तो हमारे तहखाने में है। हेलो, ओनो रावत, मैं बिल्कुल होश में हूँ, बस थोड़ा पिरांदिलो फील कर रहा हूँ। पिरांदिलो यानी थोड़ा इल्यूजन और रियलिटी का चक्कर, अब तुम नहीं समझोगे। बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फोन किया। अब एक काम करो, किसी तरह नाटकर्णी का पकड़ो और उसे कहो मेरी जगह वो प्ले कवर करने चला जाए, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं रावत, नाटकर्णी रिव्यू लिख लेगा। यार तुम उससे कहो तो सही, ये मेरा डिपार्टमेंट है और इसे जैसे चलाना चाहूं वैसे चलाऊंगा, समझे? नाटकर्णी को पकड़ो कहीं से। हाँ तो कहां थे हम लोग? 12। हाँ डियर, रोजा की रंग में हमें पहले वाले को भी काउंट करना है, इसलिए कुल मिलाकर हुए 12। एक मिनट, यहाँ यहाँ बैठ। हाँ, अब बताइए ये पहला वाला कौन था? उनका नाम था फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस, बैप्टिस्ट थे वो। हाँ लेकिन रोजा, मुझे अब भी लगता है मिस्टर फर्नांडिस का फुल क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही मर गए। यानी बिना हमारी मदद के। हाँ। मिस्टर फर्नांडिस यहाँ कमरा किराए पर ढूंढते हुए आए थे। ये तब की बात है जब तुम ताजा ताजा बम्बई शिफ्ट हुए थे। तुम्हारा कमरा बेकार में खाली पड़ा था, हमने सोचा क्यों ना उसे किराए पर उठा दे, किसी जरूरतमंद आदमी का भला हो जाएगा। मिस्टर फर्नांडिस बेचारे बहुत बूढ़े आदमी थे और बहुत दुखी। दुनिया में उनका कोई नहीं था, ना आगे ना पीछे। हम दोनों को उन पर बहुत तरस आया। फिर पता नहीं कैसे उनका हार्ट फेल हो गया। यही कुर्सी पर बैठे बैठे उस वक्त उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि हमने तय कर लिया कि और दुखियारे बूढ़े लोगों को भी अगर वही शांति दिलवा सकेंगे तो जरूर दिलवाएंगे। वो यही मर गए थे? आप लोगों को डर नहीं लगा? ना, एक लाश से किस बात का डर। तुम्हारे दादाजी दिन भर चीर फाड़ किया करते थे, एक दो लाश घर में पड़ी ही रहती थी। उन दिनों एल्फी ने भी सुरंगे खोदना शुरू कर दिया था, हमने सोचा उसका कुछ इस्तेमाल किया जाए, इसलिए मिस्टर फर्नांडिस को नीचे ही पहुंचा दिया। एल्फी ने मान लिया कि वो गैस चैम्बर के मर गए जीव है। इसलिए हमने तुमसे कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ। हमें पता है किस वक्त क्या करना चाहिए। तो आगे भी यही सिलसिला चलता रहा, लोग यहाँ आते रहे और मरते रहे। हाँ, पर हम उनपे तो डिपेंड नहीं कर सकते थे ना कि वो अपने आप मर जाएंगे, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया। तुम्हें याद है ना, दादाजी की लैबोरेटरी में बहुत सारी जहर की बोतलें पड़ी रहती थी पुरानी, और कई चीजें मिलाकर तरह तरह की नई कॉकटेल्स बनाने में मार्था कितनी उस्ताद है, ये तो तुम जानते ही हो, कितने शौक से पीते रहे हो तुम, है ना? हाँ, तो मैंने क्या किया, फटाफट एक फॉर्मूला निकाल लिया। 1 लीटर एल्डरबेरी वाइन लो, उसमें 2 चम्मच आर्सेनिक डालो, चुटकी भर साइनाइड और 2 बड़ी चम्मच शरबत रुआफ़ज़ा, बस ड्रिंक तैयार। बड़ी जबरदस्त किक पड़ती होगी पीते ही। हाँ, एक सिर्फ मिस्टर एंथनी ऐसे थे जो उसके बारे में इतना कह पाए। How delicious! अच्छा बातें बंद करो, खाना नहीं बनाने है क्या? नहीं, हाँ बॉबी बेटा, खाना खा के जाओ ना प्लीज। मैं बिल्कुल नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ आज। एक दाना नहीं निकला जाएगा मुझसे। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। दिया कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ अब। अरे तुम तो जूली का इंतजार करोगे ना, कितना अच्छा लग रहा होगा मन में। ठीक है, मैं रसोई में चली जाती हूँ, तुम अपनी कल्पनाओं में खोए रहो। Thank you.
डैडी को लगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि घर से निकलना और भी मुश्किल। लेकिन खुशखबरी ये है कि आज की रात तुम मेरा इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है जूली, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे कल आके मिलता हूँ। कल? हाँ, मिलता तो रहता हूँ हर दूसरे दिन। लेकिन हम लोग तो अभी प्ले देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं जा रहे हैं। अरे क्यों नहीं? थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कौन सी प्रॉब्लम डाले? क्या नौकरी छूट गई है? नहीं, नौकरी वोकरी नहीं छूटी है, बस आज को वो प्ले में कवर नहीं कर रहा। अच्छा जूली, अब तुम जाओ अपने घर। लेकिन बॉबी, अब अगर हमारी शादी होने जा। शादी? अभी 15 मिनट पहले तुमने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया था, क्या भूल गए तुम? मैंने प्रपोज किया था? ओ हाँ, मेरा ख्याल है वो फैसला अभी कायम है। लेकिन जूली, फिलहाल तुम अपने घर जाओ। एक मिनट पहले तुमने मुझसे शादी की बात की और अब मुझे धक्के देकर घर से निकाल रहे हो। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा हूँ डार्लिंग, पर अब तुम जाती हो या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक के मुझे इस घटिया हरकत की कोई माकूल वजह नहीं बता दी जाए। जूली, हेलो रावत, होल्ड ऑन अ मिनट विल यू? अरे बहुत जरूरी है, लेकिन एक मिनट तो रुक जाओ। जूली, तुम बहुत प्यारी लड़की हो जूली, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में जलजला आया हुआ है, इसलिए तुम अपने घर जाओ और मेरा इंतजार करो। चालाक मत बनो। उम्मीद करता हूँ जब हमारी शादी हो जाएगी और मैं किसी समस्या से पीड़ित होऊंगा, तो आपका ये बर्ताव इतना जाहिलाना या वेश्याना नहीं होगा। अगर शादी हो जाएगी तो, अगर तुम मुझे किसी काबिल लगे तो। जूली, 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 जूली। हेलो, हेलो, हेलो रावत। दरवाजे की घंटी बज रही है डियर, फोन की नहीं। ओह हेलो, हाउ डू यू डू, प्लीज कम इन। मुझे पता लगा आपके यहाँ कोई कमरा खाली है किराए पर। जी हाँ जी हाँ, आइए अंदर आइए। आप ही इस मकान की मालकिन हैं? जी हाँ, मैं हूँ मिस डिसूजा, और ये है मेरी छोटी बहन मिस डिसूजा। माय नेम इज लीन, डेविड लीन। आइए अंदर आइए। सॉरी, हम डिनर के लिए टेबल लगा रहे थे। हेलो सिटी डेस्क, रावत से बात करवाइए प्लीज। हेलो सिटी डेस्क, व्हाट, सॉरी रॉन्ग नंबर। क्या मैं कमरा देख सकता हूँ? जरूर जरूर, लेकिन पहले जरा बैठकर थोड़ी बातचीत तो कर ले। लेकिन अगर मुझे कमरा पसंद ही नहीं आया तो बातचीत से क्या फायदा? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा मतलब आपका घर कहाँ है? कहीं भी नहीं, पूरी जिंदगी होटलों में गुजार दी, लेकिन अब थक गया हूँ। हेलो सिटी डेस्क, आपके परिवार में कौन कौन है? कोई भी नहीं, ना आगे ना पीछे, ना अपना ना बेगाना। तो क्या आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं? सुना मार्था, मिस्टर लीन, बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं आप। हेलो रावत, बॉबी लाइन कट गई थी। अच्छा रावत, आज का प्ले मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। कौन से चर्च जाते हैं आप? यहाँ बिल्कुल पास नहीं है क्या एपिस्कोपल चर्च भी है? चर्च पर जाया करता था पहले कभी, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता। पूना? वहाँ पूना में क्या कर रहा है नाटकर्णी? बिल्कुल, मैंने ही कहा था उसे पूना जाने के लिए, ये मेरा डिपार्टमेंट है कि नहीं? लेकिन तुम्हें किसी ना किसी को तो पकड़ना होगा इरावत। कौन कौन है ऑफिस में इस वक्त? इस घर में हमेशा इतना शोर होता है क्या? ये हमारे साथ नहीं रहता। अरे कोई तो होगा, जरा ठीक से देखो। वो लड़का कहाँ है जो बड़ा ब्राइट लगता है? अरे वही जिससे हम सब चिढ़ते हैं, जो फैशन का कॉलम लिखता है। देखो कहीं चाय वाय पी रहा होगा। हाँ मैं होल्ड किए हूँ। आप मुझे कमरा दिखा ही दीजिए। उधर ऊपर है, अभी चलते हैं। चलने से पहले आप थोड़ी वाइन तो ले लीजिए। वाइन? जी हाँ, घर में बनी है एल्डरबरी वाइन। एल्डरबरी वाइन? अरे बड़ा जमाना हो गया एल्डरबरी वाइन पिए हुए। थैंक यू। अच्छा वो भी नहीं है,
अच्छा ठीक है रावत, तुम एक काम करो, नीचे प्रेस में एक चपरासी होंगे यूपी के राम खिलावन पांडे, तुम उन्हें प्ले कवर करने के लिए भेज दो, वो हिंदी में रिव्यू लिख देंगे, तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके छापते ना। क्या पांडे जी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, पहले रामलीला वगैरह में बहुत काम किया उन्होंने। हाँ हो सकता है उनके अंदर भी कोई रमेश चंद्र चार्ली या कविता नागपाल छिपी हुई हो। आपके यहाँ अपना बगीचा है एल्डरबरी का? जी नहीं, लेकिन सामने कब्रिस्तान में भारी पड़ी है, वहीं से तोड़ लाते हैं। जहाँ की चीज है वहीं पहुंच जाती है। नहीं मैं पिए हुए नहीं हूँ, लेकिन अब पीने जा रहा हूँ। क्या आप खाना भी सर्व करती है? जरूर अगर आप चाहें तो, लेकिन पहले आप वाइन तो चेक कर देख लीजिए कि कैसी है। ए, 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 दिलाऊं कि ऐसा करना कानून के खिलाफ तो है ही, लेकिन ऐसा करना बहुत बुरी बात है। लोग क्या कहेंगे, वो आदमी क्या कहेंगे? हम ये बात बॉबी को बतानी नहीं चाहिए थी। एक बार हो गया चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हो गया चलिए फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को तो इसकी आदत ही पड़ती जा रही है। हमने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम नाटक के रिव्यू मत लिखा करो। हाँ। इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम हमें हमारा काम करने से रोको। हाँ। अगर तुम्हारी हॉबी ड्रामा है तो हमारी हॉबी सोशल वर्क है। हाँ। हेलो, अच्छा वो भी नहीं है, अच्छा ठीक है रावत मैं खुद जाता हूँ, लेकिन मैं प्ले का सिर्फ फर्स्ट एक्ट देखूंगा। हाँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा रावत, अपने अखबार के जो वकील है मिस्टर जेठमलानी, हाँ उन्हें पृथ्वी थिएटर पहुंचने के लिए कहो, मुझे अर्जेंटली मिलना उनसे, प्लीज ये काम कर देना रावत। हाँ मैं बस निकल रहा हूं अभी। हाँ देखिए मुझे थोड़ी देर के लिए शहर जाना ही पड़ेगा, मैं इस मुसीबत से निकल नहीं पा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले क्या आप लोग एक वादा करोगे मुझसे? पहले बताओ कि क्या है तभी करेंगे। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ आंटी, और ये भी जानता हूँ कि आप लोग भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप ये भी जानती हैं कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं आप दोनों के लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे खातिर आप एक छोटा सा काम कर दें। क्या करवाना चाहते हो तुम हमसे? यही कि आप कुछ ना करें, मेरा मतलब है आप कुछ भी ना करें, किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दें, और मिस्टर फरेरा या परेरा जो भी है वो, उन्हें वहीं पड़े रहने दें जहां वो है। क्यों? क्योंकि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और इस वक्त सोचना बहुत जरूरी है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ हो जाए। हमें क्या होने वाला है? फिर भी मेरे लिए इतना तो करेंगी ना? बोलिए करेंगी ना? नहीं, हम लोग डिनर के पहले अंतिम संस्कार निपटा देना चाहते हैं। अंतिम संस्कार? बिल्कुल, क्या समझते हो हम लोग मिस्टर परेरा को बिना पूरे अंतिम संस्कार दिए यूं ही दफन कर देंगे? मिस्टर परेरा तो मेथडिस्ट थे। लेकिन क्या आप लोग मेरे वापस आने तक का इंतजार नहीं कर सकती? प्लीज। हाँ क्यों नहीं कर सकती, अरे अच्छा तो ये होगा कि तुम भी हमें जॉइन कर लो। हाँ हाँ तुम तो इतना एंजॉय करोगे बॉबी, खास तौर पर हिम्स। याद है मार्था बचपन में कितना अच्छा गाया करता था चर्च के कॉयर में, बड़ा हुआ तो इसकी आवाज ही खराब हो गई, लेकिन फिर भी हिम्स तो गा ही लेगा हमारे साथ, है ना बॉबी? गाऊंगा गाऊंगा, लेकिन वादा करिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं आप किसी को घर के अंदर नहीं आने देंगे। बोलिए प्रॉमिस। ओ माथा, जब बॉबी इतना कोऑपरेट कर रहे थे तो तुम कर ही सकती है ना? ठीक है बॉबी, प्रॉमिस। कुछ सारे कागज होंगे आंटी, मैं जितना जल्दी होता है वापस आने की कोशिश करता हूँ, एक आदमी से भी मिलना है मुझे। ये लो। ओ थैंक यू, अभी रास्ते में ही प्ले का रिव्यू लिख लूंगा थिएटर पहुंचने से पहले तक। हाँ लगता है आज बॉबी को कुछ हो गया है, नॉर्मल नहीं लग रहा ना आज।
अरे आज इसकी वजह भी तो है। क्या? आज उसने शादी का फैसला किया है भाई। ऐसे मौकों पर शायद नर्वस हो जाते होंगे मर्द लोग, है ना? मुझे तो जूली के लिए बड़ी खुशी हो रही है। कितनी प्यारी लड़की है ना, बस अब जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए तो मजा आ जाए। तुम्हें पता है डियर, आज अंतिम संस्कार करने की मेरी बारी है, लेकिन मिस्टर परेरा के वक्त तुम यहाँ थी नहीं, इसलिए अंतिम संस्कार तुम कर लो। हाय, तुम कितनी अच्छी हो बहन, मेरा कितना ध्यान रखती हो। ये तो तुम्हारा हक है पगली। तो मैं अपने काला गाउन पहन कर आती हूँ, और क्या मैं मम्मी वाला वो पुराना ब्रूच भी लगा लूँ? लगा ले, लगा ले। मैं देखती हूँ। हमने बॉबी से वादा किया था कि किसी को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन आखिर है कौन? एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ। दो आदमी है कोई, पहले कभी नहीं देखा इन्हें। पक्का? वो उधर उस मोड़ पर एक कार भी खड़ी हुई है, उसी में आए होंगे। देखूं? मैं देखूं जरा। पहचानती हूँ इन्हें, नहीं पहले कभी नहीं देखा। सुनो, हम लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि घर में कोई है ही नहीं, अपने आप लौट जाएंगे। अंदर आ जाओ डॉक्टर, यही है वो घर जहां मैं पैदा हुआ और बड़े होते ही यहां से भाग खड़ा हुआ। वेरी गुड जॉनी, छुपने के लिए बहुत बढ़िया ठिकाना है ये। दुनिया बदल जाए लेकिन डिसूजा फैमिली कभी नहीं बदलेगी। मुझे बहुत भूख लगी है। हे जॉनी, ड्रिंक्स? हां, जकास लगता है हमारा इंतजार हो रहा था। बहुत ही शुभ लक्षण है ये डॉक्टर। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? हेलो रोजा आंटी, मार्था आंटी, ये मैं हूँ जॉनथन। जाओ, भागो, भागो यहाँ से। अरे, मैं तुम्हारा भतीजा जॉनी यानी जॉनथन। तुम जॉनथन नहीं हो, मैं तुम्हारी शक्ल तो रत्ती भर जॉनथन से नहीं मिलती, इसलिए दिखावा करने की कोशिश मत करो और फौरन यहाँ से चलते नजर आओ। लेकिन मैं जॉनथन ही हूँ और ये है मेरे दोस्त डॉक्टर लागू। और ना ये डॉक्टर श्री राम लागू। डॉक्टर श्री राम लागू नहीं, डॉक्टर शरीफ लागू। सच बताओ तुम कौन? तुम हमारे भतीजे जॉनी नहीं हो। ये वही अंगूठी पहनी हुई है ना तुमने जो दादी माँ रंगून से लाई थी। और मार्था आंटी, तुम अब भी ऊंचा कॉलर ही इस्तेमाल करती हो ताकि वो घाव छुपा रहे जो दादाजी के तेजाब से बन गया था। आवाज तो कुछ जॉनी जैसी ही लग रही है, लेकिन तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? मेरी शक्ल के लिए ये डॉक्टर लागू जिम्मेदार है। ये बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन है, ये लोगों के चेहरे बदलने का काम करते हैं। लेकिन ये चेहरा भी कहीं देखा हुआ लगता है। रोजा, हम लोग मिसेस डांडीकर के बच्चे को सिनेमा दिखाने ले गए थे, तो याद है जिस चेहरे से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, वो यही चेहरा था। लफड़ा नहीं जॉनी, लफड़ा नहीं। आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है आंटी, पिछला 5 बरस में मैंने जॉनी को 5 नया फेसेस दिया है, अभी एक और नया दे दूंगा। इसका ये वाला फेस, एक्चुअली मैंने भी वो फिल्म देखी थी ऑपरेशन करने से पहले, नशे में भी बहुत था मैं, उस टाइम पर वही चेहरा याद रहा, सो से चिपका दिया। देख लिया डॉक्टर, देख लिया क्या हालत बना दिया मेरी, कि मेरी ही फैमिली के लोग। अब तुम अपने घर पहुंच गए हो जॉनी, अपने प्यारे घर में। जॉनी मेरे को हमेशा बताता रहता है इस गाँव के बारे में, इस घर के बारे में, आपके बारे में। जॉनी आप लोगों को बहुत प्यार करता है। आंटी, आंटी भी तुम्हें बहुत प्यार करती है जॉनी। आंटी, ये सचमुच आपका जॉनथन है, आगे बढ़ो, इससे बात करो। हाँ, जॉनथन ही हो, कितने और से बात मिल रहे हो, कहाँ थे अब तक, क्या करते रहे? हाँ जॉनी, कहाँ थे तुम अब तक? वो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और कुछ साल दुबई, सिंगापुर और हांगकांग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा। ये डॉक्टर मेरा पार्टनर है। हांगकांग तो एक बार दादी जी भी गई थी ना? हाँ, सुना है वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। हाँ, हमारे लिए भी बहुत गर्म हो गया था। कितना वंडरफुल लग रहा है अपने घर वापस आकर। और आंटी, तुम दोनों भी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी थी, उतनी ही प्यारी। वो कैसा है मेरा प्यारा एल्फी, वो पॉलिटिक्स में गया या नहीं? नहीं, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बॉबी भी अच्छा है। बॉबी के बारे में तो पता चलता रहता है, अखबार में उसके आर्टिकल के ऊपर उसका फोटो जो छपता है। बड़े होकर भी वही करता है जो बचपन में किया करता था, सबको क्रिटिसाइज। लेकिन हमें बॉबी बहुत अच्छा लगता है। खैर,
अच्छा लगा तुमसे मिलकर जॉनी। कितना खुश हूँ मैं आज मार्था जी, अपने घर वापस आना कितना अच्छा लगता है। मार्था, चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ है ना, चलो आओ देख ले कहीं उबल ही ना जाए। एक मिनट, हमें माफ करना जॉनी, लेकिन अगर तुम्हें जाने की जल्दी हो तो। जॉनी अब अपन यहाँ से कहाँ जाएंगे यार, जरा जल्दी सोचो। पुलिस के पास तुम्हारे इस फेस की तस्वीरें हैं, इसलिए तुम्हारा फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए होगी। और हाँ, वो मिस्टर गुप्ता का क्या करना है, उसके लिए भी तो जगह ढूंढनी है। उस चूहे की फिक्र मत करो। लेकिन उन्हें गाड़ी में भी तो नहीं छोड़ सकते। भूल जाओ उसे। लेकिन डिक्की पे पड़े पड़े लाश सड़ जाएगी, 3 मील तक बदबू हो जाएगी सबको। तुमने उसे खाम खा मार दिया, कितना अच्छा आदमी था, अपन को लिफ्ट दी थी बेचारे ने, और तुमने उसे। उस कुत्ते के बच्चे ने कहा था कि मेरी शक्ल अमरीशपुरी से मिलती है। ये सब तुम्हारा किया धरा है डॉक्टर, बर्बाद करके रख दिया है मेरा चेहरा। लफड़ा नहीं जॉनी, लफड़ा नहीं, अभी जल्दी से जगह ढूंढने का और तुम्हारा ऑपरेशन करने का फौरन। आज ही रात। अपन को पहले खाना मांगता ताबड़तोड़, बहुत भूख लगेगा। हमें बहुत खुशी है जॉनाथन कि तुमने हमें याद किया और यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई, लेकिन तुम यहाँ तभी खुश नहीं रहे और जब तक तुम यहाँ थे हम भी खुश नहीं रहे, इसलिए हम दोनों तुमसे कहने आई हैं गुड बाय। तुम्हारा गुस्सा होना बराबर है रोजा आंटी, अपने वो दिल दुखाया तुम्हारा, यही सोच कर इतना रोता था मैं कि क्या बोलूं। तुमने हमें बहुत तंग किया है जॉनाथन। मुझे तो बस इस डॉक्टर के लिए दुख हो रहा है, मेरी जिद थी कि हमें चाहे जितनी भी जल्दी हो लेकिन यहाँ से गुजरते हुए आंटियों से तो मिलकर ही जाएंगे और मार्था आंटी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा कर ही जाएंगे, लेकिन ठीक है अब भूखे ही चले जाएंगे मार्था आंटी। हाँ खाना तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी हमारा आटा ही खत्म हो चुका है, लेकिन बिरयानी तो बहुत पड़ी हुई है। बिरयानी मेरा ख्याल है कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। हम लोग खाना खा कर ही जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ बना के लाते हैं जल्दी से। अगर हाथ मुंह धोना हो तो ऊपर वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लेना, दादाजी की लेबोरेटरी का। दादाजी की लेबोरेटरी अभी है? हाँ, उसी हालत में जैसे वो छोड़ कर गए थे। मैं जाकर मार्था की मदद करती हूँ ताकि तुम लोगों को देरी ना हो, हमें भी अभी बहुत काम निपटाने। चलो खाना तो मिला। दादाजी की लेबोरेटरी और उसी हालत में जैसी वो छोड़ के गए थे। हाँ, हाँ। मिल गया डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर। अफसोस उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? मेरे ऑपरेशन के बाद यहीं जमकर बैठ जाएंगे और अस्पताल खोल लेंगे। रूपुर बहुत जगह है, आराम से 10 पलंग लग सकते हैं मरीजों के लिए। अरे डॉक्टर, इस शहर को तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है। बेकार है जॉनी, तुम्हारी आंटियां तो हमें यहाँ से निकालने के चक्कर में है। है वो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ये घर तो अब सालों साल तक हमारा हेडक्वार्टर रहेगा। फिर तो मजा आ जाएगा जॉनी, ये सुंदर शांत घर। तुम्हारी आंटियां कितनी प्यारी हैं, मुझे तो अभी से उनसे लगाव हो चला है। मैं कार से सामान लेकर आता हूँ। ठीक डॉक्टर, रुक जाओ, पहले हमें न्योता तो मिल जाए। लेकिन तुमने तो अभी कहा न्योता मिल जाएगा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? डॉक्टर, वो अकेली लाचार औरतें। ये तो ऐसे जैसे एक सुंदर सपना साकार हुआ। ए, तुम कहीं सपना तो नहीं दिखा रहे? ओहो, कितनी शांति है यहाँ। इसलिए तो ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, कितना शांत। चार